नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में दोषी माना है। अब उन्हें 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि प्रशांत भूषण के करियर के बारे में। एक जमाने में वो IIT मद्रास के छात्र थे। पढ़ाई में बेहद प्रतिभाशाली थे। IIT में सिलेक्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक सत्र के बाद ही उनका मन वहां से उब गया। उन्हें लगा कि वो इसके लिए नहीं है। उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर प्रिंसटन विश्वविद्यालय जाकर इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी की पढ़ाई करने लगे, लेकिन वहां भी ग्रेजुएट होने से पहले भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। अब की बार उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। उनके पिता शांति भूषण भी देश के जाने माने वकील थे। फिर उन्होंने एक सफल सियासी पारी भी खेली। वो जनता पार्टी की 1977 में आई सरकार में विधि मंत्री भी थे। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। फिर सियासत से खुद को अलग कर लिया। शांति भूषण भी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता और वकील के तौर पर जाने गए। प्रशांत भूषण 2011-12 के भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से प्रमुखता से जुड़े रहे। अन्ना हजारे के नेतृत्व में उन्होंने जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन चलाया। वो लोकपाल बिल तैयार करने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी में भी शामिल थे। तब ये UPA सरकार के आंखों के भी किरकिरी बने हुए थे। हालांकि आंदोलन पूरी तरह से सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इस आंदोलन की अहम भूमिका रही। बाद में जब 2012 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तब भूषण इसके संस्थापक थे। हालांकि उनकी सियासी पारी कुछ खास नहीं चली। केजरीवाल से मतभेदों के बाद ये सियासी पारी जल्द ही खत्म हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।